हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हम बात करने वाले हैं IR EDA के बारे में। करेंटली हम डेली चार्ट पर हैं। डेली चार्ट पर देखेंगे, मैंने आपको पहले ही इसमें ब्रेकडाउन दिया था इन लेवल्स के आसपास। वहां से एक अच्छा सेलिंग आया, यहां पर सपोर्ट लिया जो हमारा लेवल्स था, यहां से एक बाउंस आया। ये जब बाउंस आया था तब मैंने बहुत क्लियरली आपको अपडेट किया कि ये बाउंस बहुत सिमिलर है हमारे सेकेंड चार्ट से। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा भी देता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल दिखाया था इसमें, ठीक है, एक सेकेंड। और मैंने बहुत क्लियरली कहा था सेम चार्ट बना हुआ है, तो गलती से भी बाइंग का मत प्लान करिएगा और इस बाइंग ट्रैप में मत फंसना। ये तीन पैटर्न आप देखो, तीन कैंडल का पैटर्न यहां पर भी बना हुआ है इसका, और सेम सपोर्ट के आसपास से बाउंस किया। जो हमारा सपोर्ट लेवल था उससे थोड़ा सा ऊपर ये भी बाउंस किया था, रेजिस्टेंस तक गया था जहां से ब्रेकडाउन दिया था। दोनों के चार्ट आपको बिल्कुल सेम दिखेंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इतना पूरा चार्ट आप देख लो, ठीक है। ये चार्ट का मोमेंटम देखो, ये वाला मूव देखो, और यहां पर बाउंस वाला मूव देखो, और अभी सेलिंग का मूव देखो, देख लिए। आप रिटर्न आओ अपने अपने चार्ट पर IR EDA के, ठीक है। और अब देखो आप सेम कट कॉपी पेस्ट यहां पर है, सेम कंसोलिडेशन यहां पर है, ब्रेकडाउन है प्रीवियस लेवल के आसपास, थोड़ा सा ऊपर उससे पहले बाउंस है, बाउंस के बाद तीन कैंडल का फॉर्मेशन यहां पर है और नेगेटिव बनना स्टार्ट हो गया है। मैंने यही चीज कहा था कि मैं आपको चार्ट का भी एग्जांपल दे देता हूं कि कैसा चार्ट इसका बना हुआ है, ठीक है। यहां पर भी बना था लेकिन इस टाइम में परफेक्ट है, और ये सेम रीजन है क्योंकि यहां पर इसका अच्छा रेजिस्टेंस है। ये इसका टॉप होने वाला है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये इसका टॉप है। अगर यहां से करेक्शन देना स्टार्ट करेगा तो 20 से 25% का करेक्शन बहुत इजिली आराम से हो सकता है यहां पर, इस चीज को याद रखिएगा। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग मत प्लान करिएगा, मेरा बस ये है, यहां पर अलर्ट कर रहा हूं कि बाइंग के लिए, शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए मत प्लान करिएगा। अगर आप प्लान कर रहे हो, वेट कर जाओ। अगर ये वाला लेवल क्रॉस करके निकलता है, मैंने आपको पहले भी कहा है 240 का लेवल, देन आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। इसके ऊपर कोई प्रेडिक्शन बना दे तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फिलहाल करेंट लेवल पर इस रेंज में बाइंग के लिए मत प्लान करिएगा, ये नेगेटिव जोन है। यहां से अगर ये कंटिन्यू करता है तो 210 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है, 205 के आसपास। अब अगर ब्रेकडाउन करेगा तो आप करीब 180-170 की रेंज में यहां पर डाउन साइड पर जाने वाले हैं। तो करेंट लेवल पर अगर बाय करते हो तो बहुत गंदा फंसोगे, टाइम भी खराब होगा और पैसा भी बर्बाद होने वाला है। मैंने बाकी के जो स्टॉक्स दिए थे उनमें ऑलरेडी सेलिंग आ चुका है, ये अभी भी होल्ड कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में करेक्शन दिख सकता है या फिर स्टॉक इसी रेंज में आपको आने वाले 3 महीने 4 महीने हो सकता है घूमता हुआ दिखाई दे। तो दोनों कंडीशन में आपका लॉस ही है। अगर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो तो भी वो आपका एक लॉस है, और अगर आपका ये कंटिन्यू सेलिंग के लिए जाता है तब भी आपका लॉस होने वाला है, क्योंकि 3 महीने आप किसी और स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं जो अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो। मैंने खुद आपको ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक सजेस्ट किए हुए हैं, जिसमें अगर आप बोल्टास, HCL टेक, अगर आप इन स्टॉक्स को देख लोगे तो ये ऑलरेडी अपने टारगेट को कंप्लीट कर चुके हैं। APL अपोलो ट्यूब्स था, UPL था, बहुत सारे स्टॉक्स थे। अगर आप अपोलो ट्यूब्स को देखोगे, वैसे तो बहुत सारे हैं, GSPL भी है और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन ये स्टॉक्स पे अगर आप देखोगे ये अभी मोमेंटम दिया है, बहुत अच्छा मोमेंटम है, ठीक है, 1:2 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। HCL टेक अगर आप देख लो तो ये भी काफी अच्छा मोमेंटम दिया है, इसमें सेकंड एंट्री मैंने दिया जो कि रिस्की ट्रेडर्स के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बाइंग के लिए सजेस्ट किए हुए हैं। अभी भी मैंने आपको कुछ स्टॉक सजेस्ट किए हुए हैं, वो जाकर चेकआउट कर सकते हो, या किसी और के स्टॉक्स भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छे स्टॉक्स को बाय करो, ना कि इन स्टॉक्स को जो ऑलरेडी मोमेंटम में अभी अपोजिट साइड पर मूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बाइंग साइड के लिए नहीं है। आप इसमें बाय इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ये वाला मोमेंटम दिख रहा है, आपको ये वाला मूव दिख रहा है, लेकिन अभी एक चीज समझो, ये सेलिंग जोन में जाना स्टार्ट हो गया, मतलब सेलिंग साइड पर मोमेंटम देना ऑलरेडी इसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो फिलहाल स्टॉक नेगेटिव है, तो गलती से भी बाइंग का प्लान मत करिएगा। बाकी ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको एनालिसिस चाहिए तो स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन चैनल के अबाउट बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।